अरे मेरी बाजी बाजू का ये होता है जब मैं मिठू बनता हूँ ना मुझे चपेटे बड़ी पड़ती है। एक मिनट यार, जरा तारीफ हो रही है। हाँ अच्छा, मैं झूठ भी बड़ा बोलता होता हूँ आपको लाज देना। मैं अशरफ खान जी जी अम्मी जी वो फोन बात करके कौमदार साहब कहना चलो जी शुरू करो। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं अपने शो पे मौजूद हूँ, अपने शो के सेट पे मौजूद हूँ, जिसका नाम है गेस्ट इन हाउस। आज मेरे घर कौन मेहमान आया है और बहुत सारा काम किया, बीच में से गायब हो जाते थे, तो मैंने एक दिन फ़ोन किया, बात बात होती रहती थी, तो एक दिन मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, किधर गायब हैं? तो कहते हैं जी ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा दूसरा काम क्यों छोड़ दिया, वो भी करें? कहते हैं वो भी करूँगा जब मूड होगा, मूड का बंदा हूँ। तो उनको निकाल के लाया था जी मैं, आपने देखी होगी हमारी एक टेलीफिल्म बकरा एक कसाई दो, उसके राइटर डायरेक्टर मैं खुद हूँ, राइटर वो हैं, मैं कहा राइटर डायरेक्टर ही ना ले जाना दो में, तो उसके राइटर हैं जी वो, और मिठू के रोल में आपने उनको देखा। तो कोई बात नहीं, तो आइए मिलते हैं मिठू से, मिंठार मिठू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रैम्बो भाई, कैसे हैं आप? ठीक मिठू जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं मिठू नहीं आया मेरे साथ, बाजू का ये होता है जब मैं मिठू बनता हूँ ना मुझे चपेटे बड़ी पड़ती हैं, चपेटे पड़ती हैं। मैसेज भी आ रहे थे कि आगा साहब अफसर बेकार खास याद करा दिया, आपने उसमें ये सबसे पहले रोल किया था? जी जी, मैंने ये सबसे पहले उसमें रोल किया था। और मैं ये भी बता दूं, उसके बाद फिर मैंने रैम्बो भाई के साथ एक प्ले किया, बशीरा रह गया कवारा। हाँ जी, बहुत आउट क्लास प्ले था, मुझे मतलब वो ड्रामा खत्म होने का मुझे वाकई बड़ा दुख है, बड़ा मजे का वो आइडिया था। हाँ। तो उसमें मैंने, मुझे रैम्बो भाई ने बुलाया तो मुझे कहते मैं तेरे को वही कराना है वो जेड़ा तू कीता है। मैं कहा भाई इनको छोड़ कर, कहते नहीं नहीं वो टोन इनको इतनी पसंद आ गई, मेरे लिए बड़ा एजाज है कि इतने बड़े स्टार को और बड़ा अल्लाह ने नाम दिया, इनको इज्जत दी शोहरत दी, उनको ये टोन पसंद है। फिर जब हमने ये ईद वाला, एक मिनट यार जरा तारीफ हो रही है। हाँ अच्छा, मैं झूठ भी बड़ा बोलता होता हूँ आपको लाज देना, मैं अच्छा मजाक कर रहा हूँ। खैर ये तो बड़ा हमारे लिए एक ऑनर है कि हम रैम्बो भाई के साथ काम किया और सारा कुछ काम, इनकी फिल्में देखते थे और सारा। तो वो फिर जब आप ईद का हमने किया तो मुझे कहने लगे मैं तेरे को लो ओ ही कराने। मैं कहा पायन खुदा कह नहीं 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 ओ ही चाहिदा मैं, फिर फिर मैं इनको ना नहीं कर सका, मैंने फिर वही टोन की जिसमें मैंने मिठू किया इनके साले का रोल। और ये माशाल्लाह इतना लोगों ने पसंद किया, और फिर एक बॉर्डर पार से भी, सरहद पार से भी एक कॉल आपके लिए, एक जॉनी लिवर भाई की कॉल आई, रैम्बो भाई ने बात कराई उनसे, तो वो उन्होंने जिस तरह तारीफें की मैं बड़ा, क्योंकि जाहिर है उन्होंने बड़ा बड़ा आला काम किया, उनके क्रेडिट पे बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह के इतना बड़ा नाम आपकी तारीफ कर रहा हूँ। इज्जत सारी अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन फिर भी वो बड़े लोग हैं, उनका ये कहना भी हमारे लिए बड़ा, बड़ा। मगर क्रेडिट गोज टू जॉन रैम्बो साहब जिन्होंने मेरी उनसे बात करवाई। अच्छा खैर नहीं, वो जॉनी भाई की तो बात ही और अल्लाह उन्हें खुश रखे, बहुत बहुत ही कमाल और दिल के बड़े अच्छे, क्योंकि मैंने उनके साथ हमने रीमा की फिल्म की थी जी जी जी, और वहाँ बड़ी अच्छी मुलाकातें रहीं और बहुत ही नफीस इंसान है। हाँ, दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा आप राइटर कैसे बने? हाँ ये बड़ा मज़े की बात है, हम सन 2000 में एक ड्रामा कर रहे थे, तो वो ना रोज राइटर और ना डायरेक्टर की खटपट हुई है, ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है, मैं नहीं करना, मैं नहीं है वो ना। एक दिन हम बैठे हुए थे सारे, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा मैं एक आइडिया देता हूँ आप उस पर लिखें। मैंने आइडिया शाइडिया बताया, वो ना जिमी साहब यूं देख रहे, अब वो सुन लिया सारा कुछ हो गया। जब वो उठ के गए ना, कहते यार बात सुन, तू जो आइडिया दे रहा है तो खुद क्यों नहीं लिखता? मैं कह यार नहीं उनका अल्लाह, कहते तू अच्छा एक एपिसोड लिख के दिखा दे। अच्छा, और मुझे स्क्रिप्ट लिखने का फन सिखाया था अशरफ खान साहब ने। अशरफ खान जी जी अम्मी जी मेरे उस्ताद मोहतरम भी वही फील्ड में लाने वाले। क्या बात है। तो मैंने ना एक एपिसोड लिख के दिया, मैं कहा जी इस तरह में ये है ये देख। हाँ। उसने ना 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग रख, कहता यही एपिसोड होना है, और मैं कह यार ना, कहता नहीं लड़ाई करा, हाँ तू लिख। फिर मैंने उसके चंद एपिसोड लिखे, उसके बाद फिर ये सिलसिला थोड़ा चलना, फिर सलीम शेख ने मुझसे लिखवाया बसंत का एक ड्रामा।
अच्छा, उसका नाम था बसंती बाबू, वो अल्लाह ने एक एपिसोड का, वो लॉन्ग प्ले जो होता है, ठीक है, 75 मिनट्स का, तो वो अंदरून शहर में हमने किया। उसमें सुहेल अहमद साहब थे, सलीम था, काशिम महमूद साहब थे, मैं था, और इस तरह के, और वो अंदरून शहर में हुआ और इतना नेचुरल वो ड्रामा ऐसा क्लिक किया कि वो ARY पे 4 बार चला है। अच्छा, हाँ जी, रिपीट 4 साल मुसलसल चला है उसी बसंत के। हाँ जी, हाँ जी, बसंत के, जब कभी बसंत हुआ करते थे, तो वो सिलसिला निकला, फिर वो करता रहा। एक ऐसे भी हमारे सुपर स्टार हैं, वो एक दफ़ा रात को मेरे घर आ गए। अच्छा, हाँ, साथ उनके एक कैमरा मैन थे, हमारे दोस्त हैं वो। हाँ, वो आ गए, तो कोई टाइम था 10:30 का, तो मेरी तरफ है, तो मैंने कहते कितने हो तू, तेन फोन करी जा रहे। मैं कह जी, मैं कहा मैंने फटाफट एपिसोड दे। हाँ, मैं कह की मत कह, मेरा ड्रामा चल रहा है। मैंने मैं कह जी पाया ना, मतलब एक रॉ वाली मशीन थोड़ी कि मैं कागज पाया, मैंने नहीं पता। तू मेरी भैन नू कह वो चाह बनाए, जिन्नी देर चाह बन दी तू एपिसोड लिख। वो एक आइडिया हमने डिस्कस किया, वो बैठ के, तो जनाब वो मैंने कुछ 3-3.5 घंटे में एपिसोड लिख दिया। सुबह उनकी रिकॉर्डिंग थी, और नाजरीन वो कौन फनकार स्टार ये बैठे और वो कैमरे के पीछे वो ये वो शख्स है, कोई देखे ना देखे मिठू तो देखेगा ये अजर अवान और भाई जान। लेकिन ये क्या रैम्बो साहब के साथ काम करने का मुझे बड़ा मजा आया। तो सेटों पे भी शरारते और सारा खींच भी जाते थे। अच्छा, आपने थिएटर भी किया? जी, मुझे आपकी पहली एंट्री याद है, जब आपने मेरे साथ एक थिएटर किया था, एक खिड़की में से आप सर निकाल के एक जुगत करके फिर गायब हो जाते। हाँ जी, हाँ जी, वो एक ड्रामा था असल में, नसीम विकी थे हमारी बड़ी अच्छी। अच्छा, विकी का लिखा हुआ था? विकी का लिखा हुआ था। विकी बड़ा अच्छा दोस्त, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट, तो वो आपका भी बड़ा अच्छा दोस्त है सारा। तो उसने मुझे कहा, उसने पता नहीं क्या, हम बैठे हुए थे, तो कहता वे तेन एक रोल कराना है। मैं कहता एक पपिट है जेड़ा कार से सिर्फ मालिक नू नजर आंदा, होर किसे नू नजर नहीं आ। उसने मेरा गेट, मैं कहा यार, कहता नहीं, जुगते भी वो बताता था। अच्छा, और अब तो आगा साहब आप खुद बड़ी झुकते करते हैं। हां भाई, तो कोई बात नहीं भाई, कभी कभार हो जाती है। अच्छा, तो वो ना खुदा अल्लाह पाक मगफरत करे और जन्नत में घर दे, अशरफ राय साहब, वो मालिक मकान, और अशरफ राय साहब आपको पता था कि वैसे भी खिंच जाते थे। तो मैंने ना जब उन्होंने अकेले होना, मैंने ना खिड़की से मुंह का कहा हुए उठे ना फोर्टेस स्टेडियम चला जा। कहते क्यों? मैं को जहाज तो कुलचे सुटन रही वो हर दफा एक जुगत वो आपके साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी बड़ा मजे का उसमें रोल था और सारा वो। उसके अलावा मैंने अफजाल साहब के साथ किया जन्म जन्म की मैली चादर, बकायदा थिएटर जिसे कहते हैं, वो तो अफजाल साहब ने किया है। क्या बात है, वो उनके जिंदगी दे से बड़ा इलाहे आमीन। वो बहुत ही कमाल, मतलब अपने काम के जुनून की मैली चादर। हाँ जी, वो इतना अरसा चला, उसमें मेरी बेगम साहिबा ने भी, साहिबा साहिबा ने भी उसमें एक स्पेल उन्होंने भी किया था जी, तो वो लगता था फिल्म चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर और उसमें आपको पता है कि 9 सेट बदलते थे। बिल्कुल, ट्रेन का इंजन आता था, कुआं आता था, बाजार का सेट, कोठे का सेट, फिर अदालत का, वो सारे सेट आते थे। और कमाल बात ये थी, मैंने एक दिन वहां बैठ के गिना, उस ड्रामे को करने के लिए आपके पास बैक स्टेज 75 लोग चाहिए, अगर 74 भी होंगे तो कर्टन नहीं हट सकता, कर्टन नहीं हट सकता। हर बंदे ने अपनी एक एक काम करना है, किसी ने प्रॉप्स हटानी है, किसी ने लगानी है, और ये पर्दा आया जी बिल्कुल, और उसके 15-20 सेकंड का म्यूजिक बजता था। हाँ जी, तो पर्दा खुलने तक सेट चेंज होना है। हाँ जी, और वो जो चीज पहले वहां थी, जिस तरह वो ट्रेन का इंजन हटाते थे ना, वो एक कमाल ही काम था। उनका जेन जो था ना, वो 24 घंटे ड्रामे पे ऑन, जो उनकी आवाज का ग्राम था ना, मैं उनके साथ एक सीन करता था जब वो क्वार्टर में आए हैं, तो कई दफा मैं उनका मैनेजर हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो मैं करेक्टर से निकल जाता था कि यार ये कैसे हमारी खानदानी शराफत की दलील जान जाना। पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। ओए ओए। और अफजाल साहब हवेली का सेट लगा हुआ है। हाँ। तो वो जुमले बोल रहे हैं, तो सामने एक बंदा ना फोन कर रहा, ओए ओए ओए। उन्होंने ऐसे करके देख कर कहा, और सरदार कमाल जुमले बोल, कहता खलो जा काका एक मिनट, पाइन जरा जरूरी गल कर रहे ने, कर लें करो जी। और वो बंदा भी ऐसा ढीठ था, उसने पूरी बात की। अच्छा। ये नहीं के बाहर चला जाए। हाँ। करके तो कहते ने कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा ते कहता वो फोन बंद करके कौन अफजाल साहब, कहता चलो जी शुरू करो
ऐसे ऐसे जालिम लोग एक बंदा किस पिच पे काम कर रहा है, और उन्होंने नहीं सर बड़ा बड़ा ऐसा काम हुआ। लेकिन अच्छा ये है कि मुझे कुछ लोगों के साथ जो सीखने का मौका, सही सीखने का, सही उन्होंने मुझे बताया कि थिएटर पे कि पहला पैर कौन सा रखना है, ठीक है जी। अब तो मूव ही नहीं रहा जी, हाथ का कौन अब तो सा सब एक लाइन लगा के खड़े जी, हो जाते जी, जी, जी। ओए वो, ओए। वो नहीं था उनके। जब मैंने पहला ड्रामा किया था 226 लियाकत हॉल इस्लामा पिंडी में, मुस्तफ़ा सजाद हैदर, उनसे दोबारा बड़ा अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई, गेस्ट हाउस में उन्होंने किया था काम, तो वो डायरेक्टर थे वहाँ। तो हमने तकरीबन दो महीने रिहर्सल की और पूरे का पूरा ड्रामा मुझे याद हो गया था, करेक्टर मेरा उसमें एक छोटा सा था। तो वो ऐसे बैठ जाते थे, एक लंबी सी स्टिक उनके होते थी तो पैरों पे मारते थे कि ये मूव यहाँ तक ख़त्म होनी थी, तुम 4 फुट 2 फुट आगे पीछे क्यों हुए, ओए होए कसम से। और उसके बाद हमने फोर करके और हमने एक फाइनल रिहर्सल दिखाई, नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के चेयरमैन कौन थे उस वक्त डायरेक्टर, खालिद सईद भट्ट साहब, खालिद सईद भट्ट साहब आए, उन्होंने आके देखा पूरा ड्रामा, हमने ऐसे किया जैसे 1000 बंदा बैठा हुआ है, तो सामने 6 लोग देख रहे थे। तो वो पूरा हमने किया, बड़े हम खुश। तो देखने के बाद कहते हैं सजाद 15 दिन और रिहर्सल करो। ओए होए होए ओए, हमने कहा हैं? तो 15 दिन यानी 2 महीने रिहर्सल करके ड्रामा कितने दिन चला था? सरकार की तरफ से फ्री में दिखाया गया था पासिस के ऊपर 3 दिन 3 शो। अल्लाह तो ये अल्लाह का शुक्र है। ये आप जो बात कर रहे हैं ना जिन लोगों की, उनका पैशन था ये काम। हाँ, और ये है कि मुझे उस ड्रामे ने सब कुछ सिखाया कि मूव क्या होती है। जी, जी, जी। जिसने मुझे फिल्मों में आके सपोर्ट किया तो मुझे मूव का पता था। हाँ जी। तो मुझे कैमरे फिल्म में भी यही होता है कि आइए ये आप चलेंगे, आप यहाँ तक आएंगी और नदीम साहब आएंगे जब आपको यहाँ क्रॉस करेंगे तो हम कट करके फिर यहाँ चले जाएंगे, चलें ये शॉट लेते हैं। तो वो मुझे फ्लो था के चलते हुए। अब बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं मतलब नहीं सीखा हुआ ना, उनकी भी गलती नहीं है। आप कोई उनको बिजनेस दे दो डायलॉग डिलीवरी में तो या तो वो डायलॉग बोलेंगे या बिजनेस करेंगे, दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते। नहीं कर रहे। तो ये ना कोई सिखाने वाला है ना आगे सीखना चाहते भी नहीं सरकार, ऐसा भी है। ड्रामे कितने लिखे? 40-45 होंगे। 40 सीरियल भी हैं उसमें? जी सीरियल भी हैं। सीरियल कितने हैं? सीरियल इसमें हैं 7। नाम लेंगे आप जरा अपने मुंह से? जी जी, पहला सीरियल मैंने लिखा सुहेल अहमद साहब का जुदा। ओहो सुहेल साहब। हाँ जी, उन्होंने पहली दफ़ा मुझसे लिखवाया था सीरियस प्ले। फिर एक ड्रामा लिखा जुदाई मार देती है, एक ड्रामा लिखा रंग लाएगी हिना, एक ड्रामा लिखा एक लफ्ज मोहब्बत, एक लफ्ज मोहब्बत। फिर एक ड्रामा लिखा जेल जो PTV की प्रोडक्शन थी। अच्छा। वो लिखा और उसके अलावा एक था जिंदगी हाथ पड़ा जिसमें फिल्म स्टार सना भी थी और सारे, तब बनाया मैंने खुद था। अच्छा। चला PTV पे था। अच्छा, ये आपने प्रोड्यूस भी किया? जी जी। अच्छा, प्रोड्यूसर तो भी है? बस वो इस वक्त ये मुझे नहीं पता, एक चैलेंज समझ के इसको कबूल कर लिया था। मुझे किसी ने कहा था तेनू इन्ना चाहेगा ना तो अपना ड्रामा बना ला। अच्छा। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, बना के दिखा दिया। जी दिखा, चल भी गया, शुक्र पसंद भी आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अशरफ खान साहब के हाथ पकड़ के चलना सीखा, फिर इस्माइल तारा साहब। ओए ठीक क्या है? बात है। और आपको ये नहीं पता कि मेरी जिंदगी का पहला शॉट जो था वो इस्माइल तारा साहब के साथ था। वो कहाँ पे? एक खाकों का प्रोग्राम था, अशरफ खान साहब ने वो किया था। तो एक दिन एक सीन हो रहा था, वो आर्टिस्ट ने बड़ा खपाया, हम गाड़ी में सुबह हो गई 4 बज गए तो हम गाड़ी में बैठे, तो मैं कहा खान साहब एक कड़ा मुश्किल काम है ये तो मैं भी कर ला। कहते अच्छा। वो चले गए हम, अगले दिन आते ही तारा साहब के साथ शॉर्ट था तो मैंने कहने उठे ना उतार चल जरा के आसान काम। मैं पाया कहने चल। अब आप ये सोचें कि जो बंदा आपका आइडियल हो, आपने 50-50 देखा हो अशरफ खान साहब इस्माइल, और पहला सीन ही इस्माइल तारा साहब का, मेरी तो रूह फना हो गई। मैं फिर अल्लाह का नाम लिया, मैं कहा करना तो है, किया। फिर वो उसमें थोड़ा थोड़ा खान साहब ने काम कराया। फिर मेरे अशरफ खान साहब इस्माइल तारा साहब तीसरे नंबर पे, जिसके साथ जिस आर्टिस्ट के जिस स्टार के साथ काम करना इम्पॉसिबल है वो है वसीम अब्बास। हंसाते बहुत। फिर वसीम साहब के को जो अल्लाह ने सबसे बड़ी क्वालिटी दी है ना, जिस तरह वो आंख से खेलते हैं ना, आंखें भी आपने देखा
तो वो हाँ वो वसीम अब्बास साहब, वो उनके साथ तो इतना हमें मजा आया ना, फैमिली फ्रेंड हमने किया उसमें भी, और फिर थिएटर पे भी वो तो अल्लाह माफ करे, और फिर सुहेल अहमद साहब, फिर समीना अहमद साहिबा, सबा हमीद साहब। मैं इस लिहाज से खुश नसीब हूँ कि मैं सारे सीनियर सच्ची मुची के जो स्टार्स के साथ काम किया, जिस तरह आप दूध की जान निकालनी हो ना तो उसकी मलाई उतार लें, मैंने मलाई के साथ काम किया, जो जान थे इस काम की, कवि खान साहब, अल्लाह ठीक है जी, कवि साहब तो शहजादे बंदे हैं, तो ये वो लोग हैं, वो तो उनका अपना एक मजाज, अपना एक मूड, हाँ जी, हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन खुश रखते हैं, किसी के काम में बोलते ही नहीं। सुहेल साहब का ये है कि जितने बड़े वो आर्टिस्ट है ना, उतने ही बड़े इंसान भी हैं, इतने खूबसूरत इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब कभी फोन करेंगे, अगर कर लें तो वो करते हैं फोन, तो फिर झुकते शुरू हो जाती है, मसल के मुझे कहते हैं तू कादा आर्टिस्ट है, दे कादा कदों कॉमेडियन होंदा, मैं कह पाएं तुसी कड़े कोडू काटा भी दे ना कादे, हम ये आपस में एक दूसरे के साथ। मुझे एक दफा कहते हैं, मुझे याद है खालिद भट्ट साहब की बेटी की शादी थी, तो मैं वहाँ लेट पहुंचा, ये सारे आर्टिस्ट बाहर खड़े थे, सुहेल साहब थे और काफी लोग थे, नूरुल हसन वगैरह सब खड़े थे, 20-22 लोग। तो किसी ने शरारतन कहता कि आगा ने ना सीरियल किया, तो उन्हें पूछा भी नहीं, ऐसे ही मजाक में सुहेल साहब मुझे कहते इधर आए, तू एडा वड्डा सीरियल किया तो मैनू एक रोल नहीं कराया, मैं कहा भाएं मैं तुहानू कराना सी, मगर इस ड्रामे च सिर्फ आर्टिस्ट चाहिए सन वो शुरू है लेकिन वो इतने स्वीट आदमी है, बड़े वो बड़ा इंजॉय करते हैं, कोई भी उन्हें कॉल करे हाँ जी किसी काम के लिए, हाँ जी, वो ये नहीं देखते कि इससे मेरी सलाम दुआ कितनी है नहीं है क्या, वो उठ जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। अच्छा कैसा लगा आपको आज मेरे साथ बैठ के? ये तो देखें अल्लाह पाक का करम होता है, किसी ने कुछ नहीं सोचा था, आपने कभी सोचा था कि आगा साहब को करीब से देखूंगा? हाँ जी, वाह जी पाए नहीं जी, ये आगा साहब की टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सी आपस ही हिट होए पे इस तरह नहीं, इस तरह मैं मुझे बड़ी खुशी है रैम्बो भाई, आप माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब आपके लाखों फैंस हैं, चाहने वाले हैं, सारा कुछ, और हमें अल्लाह ने ये ये हमें अल्लाह का खास करम है कि हम जिन लोगों को पर्दे पे देखते थे, हम जिनके फैन अब भी हैं, तो वो हम उनके साथ बैठे फिर काम किया, ये मालिक का बड़ा करम। मैं जरा अपने देखने वालों को ये कहूँ कि जी अभी आपको मिट्टू का रोल बड़ा पसंद आया टेलीफिल्म में, तो अभी इसी चैनल पे एक, जैसा मैंने आपसे कहा था मैं शोज़ करूँगा, मैं ड्रामे करूँगा, कॉमेडी सिटकॉम करूँगा, बहुत सारे, आगा साहब को हमने पकड़ा, आगा साहब अब हमारे हाथ आएंगे, अब ये लिखेंगे भी और उसमें काम भी करेंगे। चलो देखते हैं इसमें, ये तो सारा डिपेंड करता है पेमेंट पे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा हाँ जी, जाहिर है वो तो फिर होगी, वो तो दो होगी, वो तो पेड़ तो लगा हुआ है ना। ये मेरा मसला है ना, मैनू ये कहने ने पुत्र या तेनू मैं खाने वाली पेमेंट देनी या लिखने वाली देनी, एक काम होगा ना, मैं क्या करूँ। आगा साहब 50,000 काम कर लेते हैं तो 22,000 की रोटी भी तो एक वक्त में खाते हैं ना। 22,000 की तुसी केड़ा मैनू चीता खवांदे चीता के रोस्ट करके सीख तो लाला चीता। और दूसरा, आपने एक शॉर्ट स्टोरी देखी होगी, शॉर्ट फिल्म बनाई थी हमने, उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया, तो उस तरफ भी हमारा हौसला बढ़ रहा है। आगा साहब बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया रैम्बो भाई, इतना आपने टाइम दिया, मेरा टाइम लिया। अच्छा चलो भी मैं लिया जी, चलो बहुत शुक्रिया जी, बहुत जल्द आप देखेंगे जी आगा साहब को, मुझे और कास्ट भी, अभी मैं नाम नहीं लूँगा कि कल को कोई आगे पीछे हो गया तो फिर आप कहेंगे यार वादा कीता सी वो भी होएगा, तो वो कोई नहीं, तो बड़ी अच्छी कास्ट के साथ इंशाल्लाह ज़रा मास्टर में देख के आप भी कह दें कि अनकरीब आप हमें देखेंगे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी, बहुत लुत्फ आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, खेलने वाले हैं जी। बहुत शुक्रिया, अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रखा। आप देख रहे हैं जान रैम्बो YouTube चैनल, टैन टैन देखते रहिए, हाँ ना।